इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। वाह, अरे वाह, क्या बात है, गजब। तुम्हारी ये रील मार्केट में आ गई ना, तो तुम्हारे 300 मिलियन कहीं नहीं गए। सच्ची? बेटा तुम ठीक तो हो ना? अरे बेटी, तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन क्या लगता है आपको? सिर्फ एक 9-10 साल की बच्ची एक हट्टे कट्टे आदमी को पत्थर से कुचल के मार देती है, ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह हो सकती है? बच्चों को हम भगवान का रूप मानते हैं, तो क्या मासूम से दिखने वाली यह गुड्डी हत्या जैसे जघन्य अपराध करने की क्षमता रखती है? क्या सिर्फ गुड्डी का यह मासूम चेहरा देखकर, उसकी कम उम्र को देखकर हम उसे निर्दोष मान ले? आखिर गुड्डी का इस मृत आदमी से या उसकी हत्या से क्या संबंध था? अगर एनसीआरबी के माने तो पिछले कई सालों से 18 वर्ष से भी कम आयु के बच्चों द्वारा किए गए अपराधों में लगातार वृद्धि आई। आखिर ऐसा क्या बदल रहा है हमारे समाज में कि हमारे ये बच्चे अपनी मासूमियत को खोते चले जा रहे हैं? हमारे बच्चों का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है इस केस को देखना और समझना। पता नहीं ये आफत कहां से आ गई है, पूरा एरिया सर पे उठा रखा है। परसों पास की सोसाइटी गार्ड को पत्थर मार दिया उसने, 10 टांके लगे उसको। चल, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है, मुझे लगता है वो बस भूखी थी। दीदी, मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। क्या मतलब? मतलब तुम उस बच्ची में हमारी सिमी को देखती हो। विशाल, सिम्मी अगर आज होती तो वो उसी लड़की की उम्र की होती ना। दिमा, हमारे सिम्मी को गए हुए 4 साल हो गए हैं और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारी तरह प्रैक्टिकल नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकती। विशाल, मेरा दिल एक माँ का है और मैं उस बच्चे की मदद जरूर करूंगी। बस रिद्धिमा, तुम ऐसे किसी झंझट में नहीं पड़ोगी, मना कर रहा हूँ ना मैं। और विशाल, बस यहाँ पे भी देखा था, 2 दिन पहले एक वॉचमैन को हाथ में काट के गई थी। आगे देखते हैं। माँ, आप कहाँ हो?
उर्मिला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे एक वादा देना पड़ेगा। जी क्या? तुम हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहो। हमारे वाले करो। प्लीज आप इन्हें कुछ मत कीजिए, मैं क्या बगैर देती हूँ। अरे देखो और बताओ, ये गहने कितने के हुए? रुको, संजय भैया आप तो बड़े शातिर निकले, भाभी की हालत देखने लायक थी। अरे अभी तो अपने भाई को जानता नहीं है, मैं किसी को भी चूना लगा सकता हूँ। हाँ भाई कितना हुआ? ये क्या है? तो क्या ताजमहल से दूसरे बदले नकली गहने हैं? क्या बकवास कर रहा है? तुम दोबारा चेक करो। अच्छे से चेक कर लिए, चाहो तो किसी दूसरी दुकान पे चेक करवा लो। पीतल के गहने हैं, सोने का सिर्फ पानी चढ़ा हुआ है इन पर। इनकी कीमत 200 रुपए भी नहीं होगी। संजय भाई आपको ही चुना लग गया है। लूं? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये सब मेरी गलती है, मैंने तेरे वो कंजूस ससुर पे पूरा ही विश्वास कर लिया था। हाँ गलती हो गई मुझसे। माँ जी खाना लग गया है, आप दोनों खा लीजिए। खा लेंगे खा लेंगे। वो आप पुलिस के पास गए? मतलब उन लुटेरों का कुछ पता चला? मुझे सारे गहने लूट के ले गए। मेरे बाबूजी ने इतनी मेहनत की कमाई से वो गहने बनाए थे। आप ना उनको छोड़िएगा मत। चुप, एकदम चुप। अरे बहू इतना भोला होने की कोई जरूरत नहीं है, है? मैं समझी नहीं माँ जी। अरे क्या नहीं समझी, तू और तेरा बाप दोनों ने मिलकर हमको बेवकूफ बनाया। वो सारे के सारे जेवर पीतल के थे। ये आप क्या कह रही है माँ जी? और आपको ये सब कैसे पता? ये तो तेरे बाप ने हमको बेवकूफ बनाया और अब तू यहाँ पे नाटक कर रही है। एक बात कान खोल के सुन ले, अपने बाप को बोल अभी के अभी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए या फिर आकर तुझको लेकर जाए यहाँ से। उस डेड बॉडी के बारे में या फिर उस लड़की के बारे में कोई सुराग मिला? हमने सारे पुलिस स्टेशन में लड़की की फोटो भेज दी है पर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। एक काम करो, आसपास के सभी जिलों में जितनी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है सब जांच करवाओ, शायद कुछ सुराग मिल जाए। जी सर। पकड़ो पकड़ो उस लड़की को, पकड़ो पकड़ो। आ गई होगी, चलो वहां ढूंढते।
देखना तेरे जैसा ही बेटा होगा। भगवान मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। तो सचमुच बहुत मनुष है, एक बेटे को ना जन सकी तू। माँ जी, ये भी तो आप ही का अंश है ना, आपकी पोती। चुप, तू हमें सिखलाएगी? मेरा बेटा कमाता रहे और तुम दोनों की जरूरतें पूरी करता रहे, उसके पास और कुछ काम नहीं है क्या? यही काम करता रहे वो। अरे कोई बात नहीं अम्मा, इसका इलाज ढूंढ लिया है मैंने। अब इसका खर्चा इसका बाप उठाएगा। बस एक बार पता चल जाए इसका बाप है कौन। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी बेटी है। मेरी बेटी? मेरी बेटी? हाँ, मैं तो सारा दिन काम से बाहर रहता हूँ, मुझे क्या पता मेरे पीठ पीछे किसके साथ मुंह काला करवा रही है। आप मेरे बारे में ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हैं? सुन, मेरे सामने ना ये टेस्ट में बहाने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी बच्ची की खैरियत चाहती है तो अपने बाप को फोन कर और बोल मुझे अभी के अभी 2,00,000 रुपए चाहिए। समझी? समझी? चलो अम्मा। मेरी बच्ची को कुछ मत कहना, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, माँ जी, मेरी बच्ची। दामाद जी को देने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं इस घर का किराया भी नहीं दे पा रहा। मकान मालिक रोज आ धमकता है। मेरी समझ में नहीं आता मैं करूं क्या। काश आपने शादी से पहले उन लोगों की अच्छे से जांच पड़ताल की होती। बेटा, वो मुझसे हर बात पर झूठ बोलते रहे और मेरी गलती ये है कि मैं उनकी हर बात को सच मानता हूं। मैं अभी आता हूं। बाबूजी, इंसानी जीवन से ज्यादा मूल्यवान इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमारे देश में हर साल हजारों जानें सामाजिक कुरीतियों की वजह से नष्ट हो जाती है। दोष सिर्फ उस असामाजिक तत्वों का नहीं है, दोष हमारा है। अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ गलत हो रहा है तभी हम चुप रहते हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तभी हम चुप ही रहते हैं, अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है तब हम अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते।
बाबूजी के अंतिम संस्कार का सारा खर्चा उठाया आपने, इसके लिए मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मिला ऐसी बात कर रही हो, मैं एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, और जो कुछ भी किया है ना तुमने किया है, मैंने नहीं। मैंने? पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उधार लिया था ना, तो अब चुकाना तो पड़ेगा। मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये अच्छे से समझा देगा। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो आप? प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे, माजी देखिए ना ये क्या कर रहे हैं। छोड़ो ना मुझे, ऐसा मत कीजिए ना प्लीज। कुछ नहीं किया, इतनी प्यारी बच्ची कभी कुछ कर ही नहीं सकती। आओ मेरे पास आओ, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस। माँ को ढूंढना है ना, आओ मेरे पास आओ, डरो मत, हम दोनों मिलके माँ को ढूंढेंगे। जी आप कुसुम देवी हैं? आपने हफ्ते भर पहले अपने बेटे बहू और पोती की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ लिखवाई थी, कुछ कुछ पता चला? जी कुछ तस्वीरें हैं। इसे पहचानती हैं? अरे ये तो मेरी पोती गुड्डी की तस्वीर है, ये आपके पास कैसे? जी बताते हैं, अभी और भी कुछ तस्वीरें लीजिए।
ये अंगूठी तो मेरे संजय की है। मेरे संजय की है। मेरे संजय कहाँ है? क्या हुआ उसको साहब? जी, आपके बेटे की लाश हमें शहर से बाहर मिली है। आपकी बहू इस वक्त कहाँ है? वो भी लापता है साहब। उसका नाम उर्मिला है। ये सब उसी की कारस्तानी है साहब। जब से बहू बन के वो इस घर में आई है, उसने हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमेशा क्लेश करती रहती है साहब। मेरे बेटे को कभी चैन से जीने ही नहीं दिया उसने। आखिर वो मेरे संजय को निकली गई साहब। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि आपके बेटे का कत्ल आपकी बहू ने किया है? वो अच्छे चरित्र की औरत नहीं थी साहब। उसके कई मर्दों के साथ रिश्ते थे। मुझे तो ऐसा लगता है साहब कि अपने किसी यार से मिलकर उसने मेरे संजय को मार दिया है। और देखिए, मेरी पोती भी पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही है साहब। जी, फिलहाल हमने आपके बेटे की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया है और जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम आपको देते हैं। सर, ये तो ओपन एंड शट केस निकला। कभी कभी जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता है और हमें पूरा सच जानना है। और मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये केस अभी और बहुत ढेर सारे मोड़ लेगा। अरे वाह, तुम तो एकदम प्रिंसेस लग रही हो। मतलब? मेरा मतलब राजकुमारी लग रही हो। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी फोटो ले ली। माई, ये कौन है? ये सिम्मी है, मेरी बेटी। कहाँ है सिम्मी? वो अब यहाँ नहीं है, भगवान के पास चली गई। मेरी माँ भी यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो भी भगवान के पास चली गई? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। हम दोनों मिलके तुम्हारी माँ को जरूर ढूंढेंगे। अच्छा बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? पूरी सब्जी। ठीक है, तुम टीवी देखो, मैं तुम्हारे लिए पूरी सब्जी बना के लाती हूँ। रिद्धिमा, क्या है सब? और ये लड़की? विशाल, अंदर चल के बात करी। मुझे यही बात करनी है। और ये लड़की वही है ना? हाँ, ये वही है। ये अकेली थी और डरी हुई थी। तो मैं क्या करूं? ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं है। इसको अभी के अभी यहाँ से निकालो। विशाल, अभी रात होने वाली है, मैं उसको कैसे यहाँ से निकाल दूं? ओके, फाइन, लेकिन कल सुबह मुझे ये यहाँ नहीं दिखने चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मेरे साथ जुबान लड़ाएगी? मेरे साथ जुबान लड़ाएगी तू? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है आज। हाँ, जुबान लड़ाएगी? बुड्ढी, क्या हुआ बुड्ढी? जब कोई पापा की बात नहीं मानता ना, तो पापा उसे पनिशमेंट देते हैं। आपकी मम्मी मेरी बात नहीं मानेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो गुड्डी तो अच्छी बच्ची है ना, पापा की बात मानेगी ना, है ना? अब बोलो, मेरे पापा सबसे अच्छे पापा, बोलो। नहीं,
मेरे पापा सब सबसे अच्छे पापा। चुप रहने से अपराध और अपराधी दोनों को बढ़ावा मिल जाता है। उर्मिला अपने पति और ससुराल वालों का यह अत्याचार चुपचाप सह रही थी, लेकिन आगे चलकर उर्मिला और गुड्डी के साथ क्या होने वाला है, इसकी कल्पना मात्र से ही हमारी आत्मा कांप उठेगी। हमारे आसपास का माहौल ये निर्धारित करता है कि हमारे बच्चों की मानसिकता कैसी होगी। बचपन से गुड्डी ने अपने पिता का बुरा और हिंसक रूप ही देखा था। उसके मन के अंदर डर घर कर बैठा था और अब जीवित रहने के लिए उसने हिंसा का सहारा ले लिया। अगर इस समाज में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। क्या रिधिमा की अच्छाई गुड्डी की मानसिकता बदल पाएगी? क्या गुड्डी की मासूमियत फिर से जिंदा हो पाएगी? दूसरी तरफ हत्या का ये सवाल अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा है। डर और हिंसा के माहौल में बड़ी पली क्या गुड्डी ने ही अपने पिता की हत्या कर दी थी? सर, एक बच्ची है गुड्डी, अपनी माँ से बिछड़ गई है। उस बच्ची की तस्वीर है आपके पास? हाँ। दीदी, अरे ये तो मेरी पोती गुड्डी की तस्वीर है, ये आपके पास कैसे? ये बच्ची अभी भी आपके घर में है? जी हाँ। इस बच्ची को आप जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन लेके आ सकती हैं? जी, पर क्या बात है सर? कुछ नहीं यार, बस एक फाइल भूल गया हूँ, तुम पहुंचो, मिलता हूँ मैं तुमसे वहीं। मैं आपका ही सीरियल लगा देता हूँ, क्या मैं अभी आपके साथ बैठकर आपका ये सीरियल देख सकता हूँ? अरे रिधिमा, तुम क्या हुआ, सब ठीक तो है? बताओ बेटा, उस दिन क्या हुआ था, पापा को किसने मारा? बेटा बोलो, मम्मी कहाँ गई? गुड्डी बेटा, एक्सक्यूज मी सर, शायद ये उस मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानती। मे बी, बट यकीन से नहीं कहा जा सकता है। वैसे अब गुड्डी का क्या होगा सर, आई मीन ये कहाँ रहेगी? मेरे पास। पर गुड्डी मेरे साथ रहना चाहती है। क्यों गुड्डी? क्यों रहेगी तुम्हारे साथ? मैं इसकी दादी हूं ना, ये मेरे साथ रहेगी, है ना लाडो? रिधिमा जी, कानूनी तौर पे हमें गुड्डी की कस्टडी जो है वो उसकी दादी को देनी पड़ेगी। गुड्डी बेटा, बहुत हो गया, अब चलो। मुझे आपके साथ नहीं रहना है। अरे होती है ना, दादी के साथ शैतानियां कर रही है। आजा मेरे बच्चा, आजा आजा आजा। एक बात बोलती आज,
बेटा तुम्हारी माँ मंदिर गई है, अभी आ जाएगी। पर आपने तो कहा था कि माँ घर पे मेरा इंतजार कर रही है। अरे आ जाएगी बेटा, अब देखो तुमको भूख लगी है ना, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई, बहुत अच्छी खीर बनाई, मैं लेकर आती हूँ। ए गुड्डी, ये देखो तुम्हारी मनपसंद खीर। मैं पसंद कहाँ है? माँ आ जाएगी बेटा, मंदिर गई ना आ जाएगी, तुम तक खीर खा लो, चलो। पर मुझे मौसम मिलना। बेटा मिल लेना, पहले खीर तो खा लो, अपने दादी के हाथ से नहीं खाओगी तुम? ओके। खा लो बेटा, खाओ, अच्छी है ना, और थोड़ा खा लो, और थोड़ा खा लो। आय शाबाश, बस एक और। आयशा, अरे नहीं, नींद आ रही है, थक गई है ना, अच्छा अच्छा मेरे पास शाबाश, लेट। हेलो, आ जाओ। अब कौन आ धमका? जी। तुम लोग क्या है? वो हमने गुड्डी के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे तो सोचा उसे दे दे। हाँ तो दे दो। अरे क्या मैं गुड्डी से एक बार मिल सकती हूँ? क्यों मिलना है, क्या जरूरत है, और क्यों खामखा गले पड़ रहे हो तुम लोग? चलो निकलो। अरे मेरी बात। अरे जाओ। दिशा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सही कह रही हो तुम, कुछ तो गड़बड़ है। चलो पुलिस के पास चलते हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। हम कर ही क्या सकते हैं इसके अलावा? तुम चलो मेरे साथ। तू वहां देखती हूँ, मैं यहां देखती हूँ। इसका डर था, वही हुआ, गुड्डी इस घर में हुई है। चले भगवान, अगर वो बिल्ली हुई ना तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। कौन है? कौन है ये? जरूर ये बिल्ली ही होगी। आप दोनों? हमने बुलाया। अरे
बताओ गुड्डी कहाँ है? वो घर छोड़ के भाग गई। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो दोनों घर पर आए थे ना रात, उन लोगों ने भगाया है सब उसको। बस तुम्हारे उम्र का लिहाज कर रहे हैं इसलिए तुमसे सही सब तक पूछ रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारी अच्छी तरीके से खातिरदारी करनी पड़ेगी। लेके जाओ इसको। मैं बताती हूँ सब। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो बताओ किसने किया? गुड्डी कहाँ है? गुड्डी को मैंने राजा को बेच दिया। बेच दिया? अपनी पोती को बेच दिया? सब वो संजय ने ना गुड्डी को 30,000 में पहले ही राजा को बेच दिया। गुड्डी को उसके हवाले करने से पहले संजय का खून हो गया था। और जब ये बात राजा को पता चली तो वो मेरे घर आया और गुड्डी को लेकर चला गया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब किया था ना संजय और राजा का है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। राजा, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं राजा, राजा चाचा, आपके पापा का दोस्त। सब ठीक हो जाएगा, आपका चाचा आ गया ना अभी। आओ मेरे पास बेटा, आप तो डर गए। कुछ नहीं, आ जाओ मेरे पास, सब ठीक हो जाएगा। माँ चल गुड्डी, पर माँ गुड्डी देख क्या रही है? गुड्डी चल, संजू रघु पकड़ो। काट दूंगा इसको, चल मेरे बच्चे को छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझ पे चाकू चलाएगी? वो हिलेगा नहीं। आप ठीक है? आपको ही पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हाँ, मैंने मेरे पति संजय को मारा था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक भेड़िया था जो बरसों से मेरे शरीर और मेरी आत्मा को नोच नोच के खा रहा था। जब तक बात सिर्फ मेरे तक थी ना, इसकी कुछ चुपचाप सहती रही। प्लीज संजय ने अपने शौक पूरे करने के लिए मुझे अपने दोस्तों के सामने परोसना शुरू कर दी, लेकिन फिर गुड्डी को देख के मैंने इसे भी अपनी किस्मत समझ के इससे समझौता कर लिया। लेकिन फिर एक दिन संजय ने कहा कि उसके एक रिश्तेदार की शादी, फिर मैं और गुड्डी संजय के साथ शादी में जाने के लिए निकल पड़े। और रास्ते में संजय को किसी का कॉल आया। संजय के हाथ और देखकर मुझे पहले ही शक हो गया था कि उसके दिल में चोर है। तुम एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। बेटा चल। अरे राजा क्यों फोन कर रहा है बार बार? अरे बोल दिया ना मैं आ रहा हूँ। हाँ, मेरी बेटी मैं तुझको ही देने वाला हूँ। फिर जब वो किसी से फोन पे बात कर रहा था तो वो मैंने सुना, तो पता चला कि शादी तो बस एक बहाना था। वो तो अपनी ही बेटी का सौदा कर चुका था और वो गुड्डी को उस राजा के हवाले करने जा रहा था। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे बस अपनी गुड्डी को उन दरिंदों से बचाना था। मुझमें कहाँ से ये हिम्मत आई? इतनी हिम्मत
छोड़ूंगा नहीं तेरी। छोड़ो मांगो। मत कैसे तेरी? नहीं मत तेरी। अब देखो। ए बेटी छोड़ इसको, छोड़ छोड़ इसे, छोड़ छोड़ छोड़, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने गुड्डी को वहां से भगा दिया ताकि मेरी सास को गुड्डी ना मिल पाए। गुड्डी तू भाग यहां से। ये सब कुछ करने से पहले आपको पुलिस के पास एक बार जरूर आना चाहिए था, और आपके साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे समझ सकता हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून आपके साथ पूरा न्याय करे। पति की हत्या के जुर्म में उर्मिला पुलिस के हिरासत में है, तो वही दूसरी तरफ कुसुम देवी घरेलू हिंसा और एक नाबालिग को बेचने के संगीन जुर्म के तहत गिरफ्तार की गई हैं। उर्मिला ने अपनी बच्ची की कस्टडी रिधिमा और विशाल को सौंप दी। शायद एक नए और अच्छे वातावरण में गुड्डी के मानसिक घाव भर जाए और उसका खोया हुआ बचपन फिर से लौट आए। इस केस में अपराधी बहुत सारे हैं, लेकिन दोष हमारी चुप्पी है। जब पहली बार उर्मिला के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए था। जब दहेज के लिए उसका उत्पीड़न किया गया तो उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। जब उसका शारीरिक शोषण किया गया तो कानूनी तरीके से उसे लड़ना चाहिए था। अगर उर्मिला इस तरह चुपचाप नहीं रहती तो शायद गुड्डी का ये बचपन उसे कभी नहीं छीनता। हम अपने बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन देते हैं। अच्छे स्कूल में हम उनका एडमिशन करवाते हैं। छुट्टियों में अच्छी जगह में उन्हें घुमाने ले जाते हैं। क्या हम अपने बच्चों को अपने घर में सही वातावरण दे पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को भरपूर प्यार और अच्छे संस्कार दे रहे हैं? हमें ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। हमारे बच्चों का सही मानसिक विकास हो इसलिए हम बड़ों को अपनी सोच, अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।